अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। सिराज ने क्या कमाल की, क्या शानदार बॉलिंग करवाई है, इंडिया को सिंगल हैंडेडली एशिया कप की ट्रॉफी जितवा दिया है। इस तरह का स्पेल मुझे नहीं लगता कि एशिया कप की या ओडीआई की हिस्ट्री में भी इस तरह का स्पेल कभी हुआ होगा कि आते ही कोई टाइम नहीं लिया, बस आए और विकेट्स लेते गए, ऐसे विकेट्स लेते गए कि एक के बाद एक श्रीलंका का जो बैटर था वो पवेलियन की राह देखता रहा और पवेलियन की तरफ जो है वो सबके सब 50 रन पर पूरी की पूरी टीम श्रीलंका की आउट होगी। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन स्पेल इंडिया की हिस्ट्री में, ओडीआई की हिस्ट्री में जो है वो कोई भी नहीं होगा। और ये एक सरप्राइजिंग स्पेल था क्योंकि मोहम्मद सिराज को हमने जो वो इतना कोई एक्सीलेंट किस्म का बॉलर हमने कंसीडर नहीं किया था, हमने उनको ये ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। एक अंडररेटेड किस्म के बॉलर थे लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बैक ऑफ द एंड जरूर थी, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस हमने ही सोचा था कि इतने बड़े स्टेज पर मोहम्मद सिराज की इस तरह की परफॉर्मेंस जो वो आएगी। क्या शानदार, क्या कमाल का स्पेल उन्होंने किया। मेरे ख्याल से जितने भी रिकॉर्ड से अगर इस तरह का रिकॉर्ड उसका अगर इनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो मोहम्मद सिराज का जो ये रिकॉर्ड बनाया है 6 विकेट्स लेने का, इसका कोई मुकाबला जो है वो करने कोई भी नहीं होगा। अगर बॉलिंग को थोड़ा देखें, अंदर भी बॉलिंग की है, बाहर भी बॉल की है, स्विंग करने पे आए तो अपनी मर्जी से उन्होंने स्विंग की है, अंदर की तरफ स्विंग करना चाहिए तो अंदर की तरफ स्विंग की है, बाहर की तरफ स्विंग करना उन्होंने चाहिए तो उन्होंने बाहर की तरफ स्विंग की है। और मैं कहता हूँ कि शानदार, बिल्कुल ही आंखें जो झपकने का टाइम ही नहीं मिला सिराज का जो वो इस तरह का स्पेल हमें देखने को मिला। और ना सिर्फ इंडिया के जो क्रिकेटर्स थे वो इसको एंजॉय कर रहे थे, जो क्राउड था वो प्रॉपरली इसको एंजॉय कर रहा था। बीइंग अ क्रिकेट फैन, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो या जहां मर्जी जिस मर्जी दुनिया के कोने में वो रहता हो, उसने मोहम्मद सिराज का जो स्पेल था वो प्रॉपरली जो है वो एंजॉय किया होगा। इस तरह का स्पेल शायद ही वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलता। मोहम्मद सिराज शायद इस तरह का स्पेल आगे कभी अपनी कैरियर में शायद ना करवा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्पेल जो है वो कोई एक फ्लूक किस्म का हो गया। इस पर उनकी प्रॉपर मेहनत जो है वो नज़र आ रही है, उनका जो एक बॉलिंग लाइनअप थी, जो बॉलिंग लाइन थी, लेंथ थी, एक प्लान था, वो जो है वो हमें दिखाई दे रहा था। इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, मैं देख रहा था कुछ स्टैट्स वगैरह पढ़ रहा था और मुझे पाकिस्तानी बॉलर्स का थोड़ा सा पढ़ने को मिला और फिर मैंने मोहम्मद सिराज के थोड़े से स्टैट्स पढ़े तो मोहम्मद सिराज ने जी 61 फर्स्ट क्लास मैचेस और 119 T20s जो है वो खेले हुए हैं, जो डोमेस्टिक T20 है जिसमें IPL वगैरह डिफरेंट जो वो T20 आते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो उनका जो फर्स्ट क्लास और T20 खेलने का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट क्लास मैचेस कम है, T20 मैचेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, जमान खान ने तो एक भी जो है वो फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, शाहिन शाह अफरीदी की बात कर लें, मोहम्मद हसनैन की बात कर लें, तो इस तरह का जब डिफरेंस होगा तो फिर आपके जो इम्पैक्ट है वो आपके सामने ज़रूर आएगा। मोहम्मद सिराज का देखिए जी, अगर T20 भी उतनी ही खेले हैं जितने फर्स्ट क्लास की आपकी जो है वो एक रेशो है, तो फिर दैट मीन्स कि भाई बॉलर जो है वो कमाल का है, बॉलर ने मेहनत की है, बॉलर का जो एक विजन है दैट इज लॉन्गर वर्जन, यानी कि वो टेस्ट में जो इंडिया को है परफॉर्म करके देना चाहते हैं, वो ODI में इंडिया को परफॉर्म करके देना चाहते हैं। सिर्फ T20 या IPL तक ही खुद को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा हुआ, और इसकी वजह यह है कि जब बॉलर प्रेफर करेगा टेस्ट क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ODI क्रिकेट में भी आएगा। ODI क्रिकेट इज मोर नियर टू टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ODI क्रिकेट इज नॉट नियर टू द T20 क्रिकेट। जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर बात करें तो वो T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर, PSL की परफॉर्मेंस पर जो है वो ODI टीम जो है सिलेक्शन हो रही होती है। ये एक लम्हा फिक्र है, ये एक रियलिटी चेक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके लिए भी कि जी हमने किस बेसिस पर जो है वो सिलेक्शन करनी है, हमने PSL की बेसिस पे क्या सिलेक्शन करनी है ODI टीम की, या हमने लिस्ट को देख रहे हैं या फर्स्ट क्लास को देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास का बॉलर जो है वो रगड़ा उसने खाया होता है, उसने ग्राउंड में स्पेल करवाए होते हैं, हर कंडीशन में स्पेल कराए होते हैं, हर बॉलिंग जो लाइनअप उसने जो है वो लाइन सेट की होती है, हर लेंथ के साथ बॉलिंग करवाई होती है, हर ऑपोजिशन, हर टाइप के ऑपोजिशन के खिलाफ उसने जो बॉलिंग करवाई होती है, एक कंपेटिटर और एक हार्श कंडीशंस में जो वो क्रिकेट खेली होती है। T20 क्रिकेट इज नॉट इन अ हार्श कंडीशन, वो एंटरटेनमेंट किस्म की है। पाकिस्तान की सिलेक्शन देखें तो जी सारी T20 और PSL की बेस पर जो वो सिलेक्शन हो रही है, जबकि अब ये मोहम्मद सिराज है, इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया जी। ये स्पेल मेरे ख्याल से जो है वो कहीं भी हमें देखने को मिलेगा नहीं, और श्रीलंका के लिए बहुत ही अफसोसनाक, इतनी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मैच विनिंग किस्म के स्पेल करवाए इनके स्पिनर्स ने, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इतनी बुरी परफॉर्मेंस। लेकिन साथ ही में मैं श्रीलंकन क्राउड को जो है यहाँ ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकाला और एंड तक जब जो श्रीलंका की विकेट्स हैं वो गिर रही थी, एक के बाद एक गिर रही थी, मोहम्मद सिराज विकेटों पर विकेटें ले रहे थे, हार्दिक पांड्या जो है विकेटों पर विकेटें ले रहे थे,
तो श्रीलंकन का जो क्राउड था वो वहीं का वहीं बैठा हुआ था, वो हिला नहीं, वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो बैठा रहा, उसने अप्रिशिएट किया और इंडिया क्रिकेट की जो थी उसको भी देखा, उसको उससे महसूस हुए, उससे जो है वो एंजॉय उस चीज़ को किया। तो श्रीलंका के जो क्राउड था वो हमें एक श्रीलंकन क्रिकेट फैन क्राउड ने हमें दिखाई दिया, एक क्रिकेट लवर्स जो है वो एंजॉय उन्होंने एज एंजॉय किया। तो ये मुझे बहुत ही कमाल की एक बात है श्रीलंकन क्राउड की लगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज, क्या शानदार बॉलिंग करवाई है, और ये स्पेल शायद ही अब हमें देखने को कहीं जो है वो मिलेगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही मुबारकबाद उन्हें कि उन्होंने एक एज ए फेवरेट टीम उन्होंने शुरू नहीं किया था एशिया कप। पाकिस्तान जो है वो फेवरेट टीम थी एशिया कप जीतने के लिए, और श्रीलंका तो वो डेफिनेटली तीसरे नंबर पे थी, लेकिन इंडिया जो वो सेकंड नंबर पे थी। लेकिन उन्होंने जो एक कमबैक किया ग्रुप स्टेज में, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला उसके बाद जो कमबैक किया इंडिया ने, क्या शानदार कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि 50 रन पे जो है वो होम टीम को उड़ा दिया, होस्ट जो टीम है उसी को उड़ा दिया, और वो भी फाइनल में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, कंपेटिटिव क्रिकेट जो है वो इंडिया ने खेली है, वेल डिजर्व, रिचली डिजर्व, डिजर्व करते थे। एक प्रेशरलेस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली, अपनी मिस्टेक्स को दोहराया नहीं, उससे गलतियों से सीखा है, और फिर जो है वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलकर वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको अपनी तरफ जो है वो रागिब किया, उनसे जो है वो अप्रिसिएशन जो है वो हासिल किया। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना प्रोजेक्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।